अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े से रोज़े रख रहे होंगे, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो इफ्तारी के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलरफुल से क्लब सैंडविचेस। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 5 टेबल स्पून मेनेस, और यहाँ पर मैंने दूध रखा है इसमें। इसको हम मेनेस को बीट करेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, फ्लफ़ी हो जाती है उससे ये। उसके बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 2 बॉयल एग, इनको मैंने क्रश कर लिया है। और यहाँ पे बॉयल चिकन है, इसको मैंने बॉयल करते हुए इसमें नमक वगैरह डाल दिया था, ज़रा से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। यहाँ पे है 1 कुकम्बर, इसको मैंने बरी काट लिया है। यहाँ पे है सॉल्ट एंड पेपर फॉर टेस्ट है। और ये जो मैंने आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने इसको ग्लू करने के लिए रखी है, जब हम इसको असम्बल करेंगे। और कुछ यहाँ पर टमाटर और सलाद के पत्ते हैं और ब्रेड के स्लाइसेस। चलें हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये मेनेस ले लेंगे, इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पहले, और इसको हम बीट करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से आपने डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से फिर वो डालेंगे। थोड़ा सा मैं भी इसमें और डालूंगी। इसी में साथ ही हम ये डाल लेंगे, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी फ्लफी सी हो गई है ये। इतनी ही बहुत है, ज़्यादा पत्ती करेंगे तो फिर वो बाद में सैंडविचेस पे अच्छी नहीं रहेगी। ये सॉल्ट एंड पेपर डाल लिए, या फिर टेस्ट पे आए जितना आपको सॉल्ट एंड पेपर चाहिए, क्योंकि बाकी किसी चीज़ में हमने स्पाइसेस नहीं कोई भी यूज़ किया। हम इसमें अपना चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन बॉयल करते हुए आप नमक, उसमें थोड़े से मिर्च, जो भी आप मसाला थोड़ा डालना चाहें डाल सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल वाइट नहीं पसंद होता, जैसे मुझे नहीं पसंद है, मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। इसमें आप ये कुकम्बर्स डाल दें सारे, बिल्कुल हमें ऐसे ही जो है चाहिए मेनेस, बहुत पतली भी नहीं है और बहुत गाढ़ी भी नहीं है। अब यहाँ पर हम अपने एंड पे बॉयल एग डालेंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें मिक्स करनी है, तो बॉयल एग पहले डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें छुप जाएंगे बिल्कुल ही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारा सारा मटेरियल तैयार हो गया, तो अब इसको असम्बल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर मेनेस रखी थी, इसको ग्लू करने के लिए ये लगा लेंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे सलाद के पत्ते। सबसे पहले हम दूसरा लेंगे, उसके ऊपर ये वाला मटेरियल लगा देंगे। यहाँ पे है कि आपने कितना लगाना है, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी, जैसे आपको पसंद है। बहुत कम लगाएंगे तो उसका इतना मज़ा नहीं आएगा। इसके ऊपर यहाँ पर टमाटर रख लेते हैं, फिर जो ये सैंडविच तैयार किया है इसका स्लाइस ही यहाँ पर रख लेंगे। इसी तरह से इसको फिर ऊपर से हम यहाँ से दबा देंगे, इसको हम यहाँ से काटते जाएंगे। यहाँ पर अपनी प्लेट में ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, यहाँ पर रखते जाएंगे। और ये हमारे पास एक खूबसूरत से टूथपिक्स हैं, इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे करके। इसी तरह से हम अपना ही ले लेंगे दूसरा, इसको भी ग्लू लगा लेंगे। सलाद के पत्ते रखेंगे ऊपर इसके,
दूसरा स्लाइस। उसके ऊपर भी ऐसे लगा लेंगे मटेरियल ये, उसको हम ऐसे करके रख देंगे यहाँ पे, और उसके ऊपर हम ये अपना दूसरा स्लाइस लगा देंगे। इसको भी हम ऐसे ही काट लेंगे। इसी तरह से हम कार्ड बनाते जाएंगे और अपने इधर डिश आउट जहाँ भी हमने करना हम रखते जाएंगे। इसका भी आप कलर देख सकते हैं। ये देखिए हमने सारे इसी तरह से बना लिए हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं बने हुए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अफ्तारी में बनाने की कोशिश करें, मुझे बताएं कि कैसे बने आपके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।